जिस तरह से महकमा मौसमियात की एन पेशन गोइंग के मुताबिक 26 से लेकर 30 तारीख तक लगातार पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में बारिश देखने को मिलेगी, ताहम लगातार 26 से 30 तारीख तक पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में बारिश दिखी और उसके साथ साथ पहाड़ी इलाकों में किसी किसी जगह पर, चाहे हम शुमाली कश्मीर ज़िला बारामूला के अपर रीज की बात करें, चाहे गुलमर्ग की बात करें, उड़ी के अपर रीज, वहाँ पर हल्की फुल्की बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। सीनियर लीडर यूर मुश्ताक यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे इस मौसम के हवाले से। देखिए, ये तो कुदरती आफात है, बारिशें कोई सरकार नहीं डालती है, ये अल्लाह की सरकार है। जहाँ पर कई भी कुदरती आफात आते हैं, ये जम्मू कश्मीर में इस वक्त बारिशों का जो मौसम है, इसमें कई जगहों पर हम यहाँ पहाड़ी एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं, हमको हमेशा सामना करना पड़ता है ऐसे आफात का। और जो कल का बुजीथला का वाक़ा हुआ, इसमें मैं सबसे पहले अप्रिशिएट करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का, आर्मी का, पुलिस का, एसडीएम उड़ी का, डीसी बारामूला का, जिन्होंने वक्त पर जाकर के वहाँ जो 7 जानें बचाई, जो मकान वहाँ से हमको दिखाई दिया, मीडिया के थ्रू से ही जो दिखाई दिया कि वो स्लाइड के उस जद में आ गया। तो इसमें एक ही मेरी एक रिक्वेस्ट है अवामुन नास से भी, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि हम उस जगह पर मकान बनाएं जिस जगह पर कुदरती आफात तो हर जगह आ सकती है, इसमें ये नहीं है कि भाई ये है, लेकिन हमारे इस वक्त जो है एक घर को 10-10 घर हो गए हैं। अब बाप ने बेटे को निकाला, उसने उस जगह पर मकान बनाया, भाई को निकाला, उसने तीसरी जगह पर मकान बनाया। उस वक़्त हमको ये देखना चाहिए कि हमारा जो रिहाइश है, हमारे जो बच्चे हैं, वो किस तरह सेफ रहें और कौन सी जगह हमारे लिए सेफ होगी। तो ये तो अल्लाह के तरफ से था, लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह इस वक्त बहुत शिद्दत से, बहुत बहादुरी से उनको हॉस्पिटल बोनियार में पहुंचाया, वहां का अमला भी वहां मौजूद था, उन्होंने भी बरवक्त उनकी जो इलाज की, उस वजह से ये जो जानें बच गई हैं। आइंदा भी मैं सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करूंगा, वो देखा जाए कि अगर वो मकान उसका ढह गया, उसमें स्लाइड में आ गया, उनको रिहैबिलिटेशन के लिए मदद की जाए। ये मीडिया के ही थ्रू से नहीं होना चाहिए, ये इस तरह से ही नहीं होना चाहिए, इसमें अमली तौर पर जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री का ये जो आदेश है हर किसी का घर बनेगा, इस तरह से सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी रिक्वेस्ट है कि उन लोगों को रिहैबिलिटेट किया जाए। मुश्किलात तो हैं, पहाड़ी एरियाज हैं, नाले आए हैं, कई जगहों पर बिजली है नहीं, बिजली का भी बहरान है, इस वजह से भी कई पोल उड़ गए हैं। महकमा जो पीडीडी का है वो भी बड़ी होशियारी से इस वक्त काम कर रहा है, इस वक्त तकलीफ का सामना हमको करना पड़ेगा, लेकिन कुछ ये जो इसमें खामियां हैं सरकार को भी दिखी, अब किस जगह पर हमें कौन सी प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि सरकार इस पर आइंदा जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी इस पर कदम उठाएगी, ताकि आइंदा कोई ऐसी आफात, कुदरती आफात के जद में ना आए और जो इंसानी जाने हैं वो बचा सके।